हुंडई अल्कसार को ट्रक्स के द्वारा शोरूम पर ले जाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हुंडई अल्कसार की बुकिंग 18 जून 2021 से शुरू होने वाली है, और आप कुछ स्पाई शॉट्स जो लीक हुए हैं, आप उन शॉट्स को देख सकते हैं। हुंडई अल्कसार को ट्रक से अनलोड किया जा रहा है और शोरूम तक लेके जाया जा रहा है हुंडई अल्कसार को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कार ऑटो शो, और आज हम बात करने वाले हैं हुंडई अल्कसार के बारे में। और आप में कई सारे लोग ये सोचते आ रहे होंगे कि आपसे पहले आप सभी इस गाड़ी को कैमोफ्लेज के रूप में देखते आ रहे होंगे। हुंडई अल्कसार के अब से पहले जितने भी ज्यादा स्पाई शॉट्स आ रहे थे उन सब में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन आज इसके काफी सारे स्पाई शॉट्स आ चुके हैं और जिसमें देखिए पता चल रहा है कि हुंडई अल्कसार काफी बड़ी दिख रही है और गाड़ी को शोरूम में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि 18 जून 2021 को हुंडई अल्कसार को लॉन्च किया जाने वाला है। तो उस टाइम पे भी आप गाड़ी को शोरूम पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं 25,000 रुपये दे के। और अगर हम इसके मुद्दे की बात करें तो अगर इसके फ्रंट से शुरुआत की जाए तो भाई बिल्कुल ही सामने से अलग लग रही है हुंडई के अल्कसार। सामने से देखोगे आप, आपको ऐसे सामने एक बड़ी सी काफ़ी ग्रिल देखने को मिलती है, और इसकी ग्रिल पे काफ़ी ज़्यादा क्रोम का काम किया गया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन कि क्रेटा से काफ़ी बड़ी और मतलब काफ़ी चौड़ी भी लग रही है देखने में। और अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो आपको साफ देखेगा कि काफ़ी बड़ी, काफ़ी चौड़ी लग रही है, काफ़ी मस्कुलर सी लग रही है देखने में। और अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो आपको लाइट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेंगी। और अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो आप इसके LED लाइट्स में और बम्प और हेडलाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है बस। और अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ कि लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी मस्कुलर लग रही है देखने में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी नहीं लग रही हुंडई अल्कसार की। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर आपको 80 इंच के अलॉय व्हील दिए है कंपनी ने, जो इनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है। और गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री देखने और गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा। अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगी, सिमिलर है क्रेटा जैसे बिल्कुल। अगर आप सी पिलर्स की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ देखेगा कि गाड़ी को स्ट्रेच करके काफी लंबा सा कर दिया गया है पीछे की तरफ। हाँ, लेकिन आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसकी रूफ है बिल्कुल स्ट्रेट है, ना ही ऊपर की गई है और ना ही नीचे की गई है। पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को काफी अच्छा हेडरूम मिल सकता है। वो तो खैर वो सारी चीजें पता तब चलेंगी जब हम इसके अंदर बैठेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसकी हेडरूम सही है या गलत है। और अब बात आती है इसके रियर को लेकर, जो काफी ज्यादा मतलब पीछे से देखने में, अगर इसके रियर लुक की बात करें तो पीछे से देखने में इतनी ज्यादा बेहतर नहीं लग रही जितनी ज्यादा क्रेटा लगती है पीछे से देखने में। क्योंकि क्रेटा काफी बेस्ट लगती है, क्योंकि इसके पीछे क्योंकि क्रेटा के पीछे एक स्प्रिट लाइट्स का सेटअप दे रखा है जो बहुत ही ज्यादा बेहतर लगता है। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये बेहतर लग रही है पीछे से या नहीं लग रही है। अगर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की बात करें तो हुंडई ने इसके अंदर काफ़ी बेहतर काम किया हुआ है, और आपको इसके अंदर चारों पहियों में डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि जब 4 डिस्क ब्रेक होने से गाड़ी में ब्रेक बहुत जल्दी लग जाती है, जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है। इन टर्म्स ऑफ लुक अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ, जो क्रेटा से बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है और काफ़ी देखने में अच्छी भी लगी, क्योंकि क्रेटा एक बहुत अच्छी और मस्कुलर सी गाड़ी लगती है देखने में। और अगर हम इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो इसका इंटीरियर आपको बिल्कुल मतलब व्हाइट और ब्लैक देखने को मिलेगा, जो अभी तक स्पाइस शॉट्स आए हैं, जो कि काफ़ी शानदार लगता है देखने में। क्योंकि इसका जो इंटीरियर आपको देखने में मिलेगा बिल्कुल मतलब कि एक बिल्कुल स्पोर्टी कार जैसा इंटीरियर आपको उसको देखने में लगेगा, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। और जो इसके इंटीरियर है बिल्कुल क्रेटा वाला सेम इंटीरियर है इसका, देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी कि जो इसका इंटीरियर बिल्कुल क्रेटा जैसा होने वाला है बिल्कुल सेम। तो आपको इस गाड़ी को देखोगे इन टर्म्स और लुक तो आपको साफ बिल्कुल क्रेटा जैसी लुक्स दिखाई देगी, सेम क्रेटा वाला भी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वही है सेम। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल जो बिल्कुल क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में आता है वही इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। और अगर आप लोग इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट लेते हैं तो क्या आप लोग सोचते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है? नहीं मिलती। इसके मैनुअल वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी और हिल होल्ड का असिस्ट के साथ ही मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन इसका जो नॉर्मल वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको शायद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स ना मिले। 7 सीटर वेरिएंट के अंदर आपको सेकेंड रो में आर्म रेस्ट और चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, और इसके अंदर कोल्ड ग्लो बॉक्स भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको 6 सीटर वाला जो वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। और अगर इसके थर्ड रो की बात करें तो इसके थर्ड रो में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रही है, जिसके अंदर सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़े नहीं बैठ सकते।
और इसके अंदर आपको बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा शानदार आवाज़ निकालेगा, जिसके अंदर आप कहीं भी टूर पे आओ जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो इस बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ में। और अगर आप इसका 2.0 लीटर पेट्रोल वाला इंजन उठाते हो तो आपको इसके पीछे 2.0 लीटर के ब्रांड की बेजिंग भी आपको उसका इसमें पीछे देखने को मिलेगी। और वैसे तो बाकी इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ हो गई, 360 डिग्री कैमरा हो गया, और सार्फिन एंटीना, ब्लूलिंक कार कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ ऑक्सिलरी, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ डायनेमिक गाइडलाइंस और डिफरेंट एंगलों, सारी सारी फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक कि आप इसके राइट और लेफ्ट के इंडिकेटर भी देंगे, तो अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर चालू करेंगे तो लेफ्ट का कैमरा खुल जाएगा, और राइट का इंडिकेटर देंगे तो राइट तरफ का कैमरा खुल जाएगा, जिसकी आप तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अलगार में देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही ज़्यादा कूल है और बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील भी दे रखे हैं ऑफिशियली, क्योंकि ये हुंडई क्रेटा से लंबी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हुंडई अल्कज़ार को अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन 25,000 रुपये दे के इसको बुक कर सकते हैं, जो क्रेटा से बहुत ज़्यादा देखने में लंबी और मस्कुलर सी दिख रही है। मेरा मेरा जो फर्स्ट ओपिनियन यही है कि हुंडई अल्कज़ार काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है हुंडई क्रेटा से। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।